तो हे गाइस, ये है फोर्ड की फिगो डीजल वेरिएंट में, और इस गाड़ी में होना है आपका सस्पेंशन का वर्क। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या वर्क होना है, एक बार डिटेलिंग में आपको दिखाते हैं। बाकी मशीन के थ्रू ये गाड़ी ऊपर उठाई जा रही है ताकि काम करने में आराम रहे। तो देख सकते हो प्रॉपर गाड़ी उठ रही है, ताकि नीचे से आपको डिटेल में बता सके क्या क्या काम होना है और किस तरह होगा, सारा आपको वीडियो के में दिखाई देगा। तो ये है फोर्ड की फिगो। सबसे पहले तो भाई फ्रंट के दोनों टायर निकाला जाएगा, ताकि जो डिटेल है आपको दिखा सके। तो यहाँ पे टायर निकल गया है, ये आपका शॉकर है जो कि वीक है, इसमें ऑयलपन आ गया है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है, जब भी शॉकर नीचे बैठता है ये प्रॉपर ऊपर नहीं आता, उसके कारण जो होता है लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो आपका ये शॉकर ख़राब हो जाता है। अगर आपका गाड़ी का एक शॉकर ख़राब होता है तो आपको दोनों ही चेंज करना पड़ेगा, ताकि गाड़ी सही से चले और टिकाऊ रहे। तो हर हमेशा एक शॉकर चेंज मत करिए, दोनों सेट चेंज होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो शॉकर आपका लीकेज है, दूसरे साइड का भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भी देख सकते हो आपका शॉकर लीक है, यहाँ भी काला देख सकते हो ऊपर साइड में, नीचे साइड में सूख गया है, बट ये भी ख़राब है, ये भी चेंज होगा। तो दोनों के फ्रंट शॉकर चेंज होंगे। तो सामने है लिंक रोड जो कि खराब हो गया है, प्ले आ रहा है उसमें। ये एंड है, ये स्टीयरिंग एंड है ना, आई थिंक हाँ। तो ये स्टीयरिंग वॉल जॉइंट है, वॉल जॉइंट है, और ये एंड है, एंड सेट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये चेंज होना है, ये भी चेंज होना है। अच्छा, और ये वो जो रैक है, हाँ ये पूरी जो रैक है, जो पूरी रिपेयर होना है, रिपेयर होना है। हाँ। तो ये रिपेयर होने ही जाएगा पूरा रैक, क्योंकि इसमें जो है नॉइज ज्यादा हो रही है। अच्छा, जब गाड़ी गड्ढे में चलती है तो खटखट आवाज आती है। अच्छा, ये हो गया। तो सामने देख सकते हो क्या है, जंपिंग रोड बूस, बूस जो कि क्या करता है ये काम, ये गड्ढे में जाती है तो आवाज आती है चू 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 वगैरह की। हाँ, तो उसके लिए ये चेंज करना पड़ते हैं। अच्छा, ये चेसिस में लगा रहता है, चेंचेस, इसके लिए हमें पूरी चेंचेस उतारना पड़ेगी, चेसिस उतारना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हो गया। तो व्हील अलाइनमेंट होगा, जब गाड़ी सब कुछ हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट होगा, व्हील बैलेंसिंग होगा, प्रेशर देख के देखा जाएगा, बैलेंसिंग देखा जाएगा। बाकी स्टीयरिंग रैक आपको दिखा दिया था, ये पूरा रैक रिपेयर होगा, ऊपर तक जाता जो थे स्टीयरिंग तक। बाकी इसका सर्विसिंग होगा, ऑयल फिल्टर, बाकी जो भी स्कैनिंग होगा वो सारा कुछ किया जाएगा। तो आपको धीरे धीरे दिखाते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर गाड़ी को ऊपर उठा लिया है ताकि काम ईजिली हो सके प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंचिस चेसिस निकाल रहे हैं। चेसिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो इस चिमटा को निकालना पड़ेगा, लो आर्म जिसे कहते हैं, ये निकलने के बाद ही आपका जो चेसिस है वो उतरेगा। तो ये है लेफ्ट साइड का शॉकर जो कि ख़राब है, और साथ ही साथ हमारे पास ये लिंक रोड जिसमें प्ले आ गया है, और शॉकर पूरा चेंज होगा फ्रंट के, और लिंक रोड भी चेंज होगा, और ये है एंड सेट बॉल जॉइंट, और वो हमारा स्टीयरिंग रैक जो कि रिपेयर के लिए जाएगा। देख सकते हो ये रैक जो कि आपका स्टीयरिंग से कंट्रोल होता है सारा कुछ, मूवमेंट टायर का मूवमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो हम चिमटा खोल रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, ताकि चेसिस हमारा नीचे आराम से उतर सके। तो डिसमेंटल हो रहा है, चेसिस खुलेगा ना, तो अभी ये पूरा खुलेगा, फिर उसके बाद हमारा वो निकलेगा रैक, स्टीयरिंग रैक। ये सपोर्ट के लिए ना, गिरे ना, हाँ जैक है ना, दिलीप भाई ना, तो मैं इसे बैठा हुआ ऐसे ही पता देख रहा हूँ, मतलब जय हमारी नॉर्मल फुल। तो यहाँ पे लग गया है जैक, ताकि सपोर्ट मिल रहा है चेसिस को, ताकि उतारने में इजी रहे, प्रेशर ना आए, नहीं तो क्या होता है कि लोगों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है इसमें। ये जैक ही एक बंदे का पूरा काम संभाल रहा है, क्योंकि जैक चेसिस काफ़ी भारी था, देखो यहाँ से नट खुल रहा है ताकि पूरा चेसिस नीचे आ जाएगा अभी।
ऊपर से लगा। तो यहाँ पे हमारा चेसिस उतर गया है। तो ये है हमारा स्टेयरिंग रैक जो कि रिपेयरिंग होने जाएगा। बाकी ये वॉल जॉइंट है, एंड सेट है, ये चेंज होगा, बाकी ये रिपेयर। और ये लिंक रोड है जो कि जाएगा, और ये जंपिंग रोड बूस है जो कि चूचू की आवाज़ आती है इससे, तो ये भी हमारा चेंज होगा। ये इसका प्ले है तो क्या हल्की प्ले है, खराब है ना, पर ये देखिए जो खोला है जल्दी से घर का, ये जंपिंग बूस है, एक आई थिंक कट रखा है ना, ये तो ब्रेकेट है, अंदर है जंपिंग, अंदर हाँ ये अंदर है जो रबड़ का लग रखा है, वो है बूस। ये हमारा लिंक रोड है जिसमें कि प्ले आ चुका है, खराब हो चुका है, तो ये लिंक रोड हमारा नया लगेगा। साथ ही साथ जंपिंग बूस है वो भी हमारा उसमें अंदर कट आ चुका है, देख सकते हो, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग रैक हमारा प्ले है ना, प्ले है, देखो हिल रहा है, ये हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, ये इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टेयरिंग होता है वो हल्का सा वाइब्रेशन करता है और नॉइज आता है हल्का सा, तो इसी वजह से आता है, तो ये रिपेयर होगा। तो ये है हमारा पूरा स्टेयरिंग रैक जो कि रिपेयर होने के लिए जाएगा। असेंबली स्टेयरिंग रैक भी बोलते हैं, पर पूरा जुड़ के असेंबली बन जाता है ना, लाइक सारे चीज जुड़ के भी बोलना चाहिए, असेंबली बोलना चाह रहे हैं। क्या पूरा टूट गया ना ये, कट गया भाई, ऐसे आता है ये कटिंग, ऐसे कटिंग में आता है, ये कट जाते हैं अंदर, होल बड़े हो जाते हैं। अच्छा होल बड़े हो गए जिसके वजह से क्या होता है, ये जो प्ले आने लग जाता है इसमें, ये कट जाते हैं ना अंदर से, फिर चाल तो बन जाते, आवाज करते हैं, ये आपस में टकराता है लोहा, अच्छा कट 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 ऐसे करते हैं, अच्छा जब नए रहेंगे तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे फंसता है, जब टाइट करेंगे तो ऐसे हो जाता है, पकड़ करता है बढ़िया। अच्छा तो ये दो हमारे जंपिंग रोड बूस हैं जो कि खराब हो चुके हैं अंदर से, दो हमारे लिंक रोड है जो कि प्ले आ चुका है, वो हमारा स्टेयरिंग रैक है जिसे असेंबली भी कहते हैं, वो रिपेयर होने जाएगा। बाकी हमारा सॉकर खुल रहा है जो कि अभी 10-15 मिनट में खुल जाएगा, फ्रंट के दोनों सॉकर। तो ये है हमारा सॉकर राइट हैंड का जो कि ख़राब हो चुका है, लीकेज आ रहा है और नीचे देख सकते हो आप। यहाँ पे लेफ्ट हैंड का सॉकर खोल रहे हैं, जो सॉकर है वो बहुत मेन पार्ट है आपका गाड़ी का, ताकि सॉकर आपको स्मूथ राइड, गाड़ी की जो बैलेंस है वो बना के रखता है, बाकी आपका टायर ख़राब होने से बचाता है लाइक प्रॉपर वे में, और जब भी गड्ढे में गाड़ी जाती है तो सॉकर आपको सपोर्ट करता है, लाइक उतना गड्ढा महसूस ना हो उस चीज़ को बैलेंसिंग करता है सॉकर। तो यहाँ पे सॉकर ख़राब हो चुका है, ऑयल देख सकते हो आप, तो सॉकर हर हमेशा अगर आपका एक ख़राब होता है तो आप हो सके तो दोनों ही चेंज कीजिए फ्रंट के। कई लोग क्या करते हैं, सॉकर रिपेयर करा लेते हैं, चला लेते हैं, बस वो गाड़ी कुछ किलोमीटर के लिए ही सही रहता है, बाकी आपके उसके वजह से आपका क्या होता है, व्हील अलाइनमेंट, टायर घिसना, बाकी सस्पेंशन में आवाज़ आना,
सारे सॉकर की वजह से वो इशू क्रिएट होते रहते हैं, बड़ा बड़ा होके इशू क्रिएट होके वो आपका फिर पैसों का नुकसान होता है। तो अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी ख़राब होता है उसी समय आप उस चीज़ को चेंज कर दीजिए ताकि बाद में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना आए। तो ये है हमारा सॉकर फोर्ट की फीगो की, और देखो ये प्ले हो रहे हैं और इसको अगर प्रेस करते हैं तो हार्ड हो गया, हार्ड हो रहा है, ये नीचे काफ़ी जोरों से दब रहा और वापस भी नहीं आ रहा। देखो मेन कारण ये ख़राब होने का, जब आपका गाड़ी गड्ढे में जाता है, गड्ढे में तो चले जाता है फिर वापस वो नहीं आता है, तो इससे क्या होता है आपका सस्पेंशन ख़राब होता है, टायर ख़राब होता है, जंप नहीं ले पाता है, आपका राइड कम्फर्टेबल नहीं हो पाता है, तो ये ख़राबी है इससे। गाड़ी गर्म होती बनी सारा वो लेकर आता सके तो चाबी मतलब यही है ये चाबी को। तो ये ऑयल निकल रखा है डीजल गाड़ी का, काफ़ी गंदा हो रखा है ना, बहुत गंदा हो रखा है ना ये काला। हाँ बिल्कुल काला हो रहा है। तो यहाँ पे चेसिस में हमने जंपिंग रोड बूस्ट लगा दिया है, देख सकते हो नया लग रखा है। बाकी आपको दिखाते हैं सॉकर जो कि नया लग गया है दोनों साइड के। तो ये है लेफ्ट साइड का सॉकर और ये राइट साइड का सॉकर। तो खराब ऑयल निकाल दिया है इंजन ऑयल, अभी हम तेल डालेंगे नया वाला, देन इसका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, बाकी सर्विसिंग होगी गाड़ी की। गाड़ी को ऊपर चढ़ा रखा है ताकि आसानी से काम हो सके, चेसिस चढ़ा सके आराम से। तो यहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग चल रही है और एक बार अपने मिस्त्री भाई से पूछते हैं क्या क्या चेक किया जाएगा सर्विसिंग के दौरान। हाँ भाई, तो ये हमारे पास फोर्टी को आई है, इसके जो सर्विस हो रही है, सर्विस में इंजन का जो भी है सब कुछ चेक करेंगे, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, ये ब्रेक ऑयल सब कुछ चेक करेंगे, बैटरी का पानी भी चेक करा जाएगा। अच्छा, बैटरी का पानी और इलेक्ट्रिक चेकअप होगा सारा, और गाड़ी स्कैन करी जाएगी बाद में जब कम्प्लीट हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक वगैरह सारे चेक करे जाएंगे। अच्छा, जब चेंज करने वगैरह तो चेंज कर जाएंगे, तो बस यही है। और लाइटें वाइटें तो सारी हो जाती है चेक। तो ये हमारा एयर फिल्टर है जो कि गंदा हो चुका है, तो नया लगेगा ये एयर फिल्टर, जो कि सर्विसिंग में सबसे मेन चीज़ होता है एयर फिल्टर। तो अभी हमने क्या किया, डीजल फिल्टर निकाला, देख सकते हो नीचे फिल्टर, वो उसका कैप है, ख़राब हो चुका है, तो ये नया लगेगा, एयर फिल्टर भी नया लगेगा, बाकी ऑयल नया डाला जाएगा, बाकी कूलेंट देखा जाएगा, ब्रेक ऑयल देखा जाएगा, देन बैटरी का पानी देखा जाएगा, बाकी स्कैनिंग किया जाएगा गाड़ी को, प्रॉपर लाइट चेक किया जाएगा, अलाइनमेंट देखा जाएगा गाड़ी का। तो ये सारा चीज़ होगा जो कि एक सर्विसिंग में होता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी कार रेडी है, फोर्ड की फीगो डीजल, और इस गाड़ी में हुआ था आपका सर्विसिंग और सस्पेंशन का काम। तो यहाँ पे वॉशिंग चल रही है, गाड़ी की साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि डिलीवरी करने जाना है, या तो फिर क्लाइंट आएंगे या तो फिर हम पहुँचाएंगे क्लाइंट के घर। तो देख सकते हो एक बार लुक किस तरह हमने चमका दिए, और अंदर से आपको लुक दिखाते हैं, तो अंदर का लुक देख सकते हो आप, काफ़ी सही लग रहा है। तो ये थी हमारी फोर्ड की फीगो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।